आपने बहुत सी मदर्स को ऑब्जर्व किया होगा कि वो अपनी न्यू बॉर्न बेबी को बॉटल फीडिंग या फार्मूला फीड कराती हैं या फिर बाहर का काउ मिल्क देती हैं, तो अगर उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि वो अपने बेबी को फीडिंग क्यों नहीं करा रही हैं, अपना फीडिंग क्यों नहीं करा रही हैं, अपना दूध क्यों नहीं पिला रही हैं, तो वो सिंपली वे में बोल देती हैं कि हमें दूध नहीं बनता है या फिर मेरा बेबी जो है मेरा दूध पी नहीं पाता है, उसको पीने नहीं आता है। तो अगर ऐसा है तो यह बिल्कुल भी गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि किसी माँ को दूध नहीं बनता है या फिर कोई भी बेबी ऐसा है जिसे दूध पीने नहीं आता है। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा गोइंग टू स्टार्ट टूडेज टॉपिक दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग आर स्तनपान, जिसे हम स्तनपान भी कहते हैं। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क बनता कैसे है और क्या क्या ज़रूरत होती है ब्रेस्ट फीडिंग कराने की, कब से शुरू करना चाहिए बेबीज में ब्रेस्ट फीडिंग और कब से मीन्स किस पोजीशन में उसको ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, कौन कौन सा टेक्निक होता है जिसे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए यूज करते हैं, और जो पोजीशनिंग है किस पोजीशन में फीडिंग कराएं कि बच्चे को वो अच्छे से बच्चा फीड कर पाए, तो ये सारी चीज़ें आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क की। तो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो संपूर्ण आहार होता है, होलसम फूड होता है किसी भी बेबी के लिए। अगर हम शुरू के 6 मंथ में बस एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क बेबी को देना चाहिए, ओके, बस मदर का मिल्क ही बेबी को देना चाहिए, बाहर का कुछ भी नहीं, इवन वाटर भी नहीं देना रहता है। तो जो होलसम फूड है ब्रेस्ट मिल्क जो है होलसम फूड है बेबी के लिए, तो इसको अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं बेबी को एक्सक्लूसिव, मतलब बस ब्रेस्ट मिल्क ही दे रहे हैं, अपना ही फीड करा रहे हैं, तो बाहर से कुछ भी देने की उसको ज़रूरत नहीं है, इवन वाटर भी नहीं देना है, ओके। तो यह होलसम फूड होता है, सारा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ब्रेस्ट मिल्क जो है, तो यह इसे माना जाएगा कि एक संपूर्ण आहार है बेबी के लिए, ओके। बात करें अगर डेफिनेशन की ब्रेस्ट फीडिंग होता क्या है, मिस स्तनपान किसे कहते हैं, तो यह एक एक्शन होता है जिसमें कि ब्रेस्ट से, मदर के ब्रेस्ट से बेबी को मिल्क प्रोवाइड किया जाता है, ओके। मींस मदर अपने स्तन से बेबी को दूध पिलाती हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, स्तनपान या फिर ब्रेस्ट फीडिंग, ओके। ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है मीन्स स्तनपान जो होता है उसको बोल सकते हैं एक नर्चरिंग केयर पैकेज होता है, नेचुरल केयर पैकेज होता है, जो जिसमें कि बेबी को वो जो कि हेल्प करता है बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू आउट देयर इंटायर लाइफ में, मीन्स पूरे लाइफ में अगर बेबी को शुरू के ये 6 महीने पूरा अच्छे से उसको मिल्क प्रोवाइड किया जाए, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड किया जाए, तो वो जो भी होता है शुरू के 6 महीने अगर अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करा दिया जाए तो होल मीन्स लाइफ में उसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसका अच्छे से होता है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जो शुरू के 6 मंथ होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डेथ के केसेस मिलते हैं न्यूबॉर्न में या स्मॉल बेबीज में। तो जो शुरू के 6 मंथ में 6 ईयर जो होते हैं बेबीज के, अंडर 5 ईयर बोल सकते हैं, अंडर 5 ईयर में जो भी केसेस आ रहे हैं डेथ के, चिल्ड्रन डेथ के, अगर हम ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो वो बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। तो इसलिए बेबी को ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराना चाहिए, ओके। उसके लिए समझते हैं थोड़ा सा कि ब्रेस्ट का संरचना क्या होता है, दूध कैसे बनता है, ये अगर आप जान जाएंगे तो आप अपने बेबी को कभी भी फीड कराने से मना नहीं करेंगे, ओके। तो बात करें अगर ब्रेस्ट की, तो ब्रेस्ट जो होता है एडिपोज टिश्यू से मिलकर बना होता है, फैट टिश्यू है, ठीक है। इसमें एल्वियोलाई होते हैं छोटे छोटे जो कि बाद में मिल्क फॉर्म करेंगे, ओके। तो एल्वियोलाई इसे बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं, ओके, नलिकाएं होती हैं। इसके बाद यहाँ पर साइनस होता है जहाँ पे मिल्क बनके इकट्ठा रहता है। इसके बाद यहाँ निप्पल्स आते हैं, तो निप्पल के थ्रू मिल्क बाहर आता है, ओके। इसमें 2 हार्मोन काम करते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन काम करते हैं, ओके, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ओके। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो मिल्क बनाने का काम करता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो क्या करेगा, मिल्क को बाहर निकालेगा, मिल्क को इजेक्शन का काम करता है, ओके। मिल्क बन के यहाँ पे स्टोर रहेगा, इसके बाद ऑक्सीटोसिन से क्या होगा कि मिल्क बाहर निकलेगा, इजेक्ट होगा, ओके। तो एनाटॉमी ऐसी होती है, ये शुरू शुरू में तो स्ट्रक्चर मीन्स डिफरेंट होता है, इसके बाद जैसे जैसे प्रेगनेंसी स्टेज आता है वैसे वैसे संरचना में थोड़ा थोड़ा मीन्स बदलाव आने लगता है, वह प्रिपेयर होने लगता है मीन्स मिल्क फॉर्मेशन के लिए, ओके।
तो जो फिजियोलॉजी होता है लैक्टेशन का, उसमें होता है कि जैसे ही बेबी मीन्स यहाँ पर सक करना शुरू किया या सकलिंग जैसे ही शुरू किया, तो इससे क्या होता है, रिसेप्टर यहाँ पे होते हैं निपल पे, तो वो मैसेज पहुँचाते हैं ब्रेन तक, मदर के ब्रेन में मैसेज पहुँचाते हैं, तो हाइपोथैलेमस तक मैसेज पहुंचता है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं पिट्यूटरी के, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जैसा कि हमने बताया, एंटीरियर से जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो निकलता है, तो वो उससे क्या होता है कि मिल्क प्रोडक्शन होता है, मिल्क बनना शुरू होता है। ओके, तो मिल्क बनने के बाद उसके बाद क्या होगा, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रहेगा वो क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करेगा, जिससे कि क्या होगा कि मिल्क इजेक्शन होगा। ओके, मिल्क बाहर निकलेगा, इजेक्शन मतलब बाहर निकलेगा, यहाँ से इजेक्ट होगा, निपल के थ्रू इजेक्ट होगा, तो उससे क्या होगा, बेबी फीड कर पाएगा। तो ये दो हार्मोन काम करते हैं, इसे रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स और ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स। बात करें अगर प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स की कि यह कैसे काम करता है, तो जैसे हमने बताया कि जैसे बेबी यहाँ सक करना शुरू किया करेगा, मैसेज पहुँचेगा ब्रेन तक, एंटीरियर पिट्यूटरी तक, फिर वहाँ से क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो मिल्क प्रोडक्शन होता रहता है और बेबी जो है वो फीड करता रहता है। तो ये जो मिल्क प्रोडक्शन होगा उससे क्या होगा, जो नेक्स्ट मतलब कि फीड के बाद जो दूसरे टाइम बेबी फीड करेगा उसके लिए भी मिल्क प्रोडक्शन होता रहता है। तो ये क्या होता है कि रात के टाइम में जो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए बोला जाता है कि रात के टाइम में बेबी को फीड जरूर कराएं। और जब भी फीड कराएं, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा फीड कराने के बाद छोड़ दें, जितना ज़्यादा फीड कराएंगे उतना ज़्यादा प्रोलैक्टिन सिक्रीट होगा, उतना ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा फीड कराएं, ताकि जो मिल्क फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ओके, तो प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रीशन का काम करता है। ये मीन्स कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोलैक्टिन से मिल्क सिक्रीशन को बढ़ावा देती हैं, तो अगर मतलब आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं बेबी को और ब्रेस्ट आपका खाली हो रहा है, तो इसका मतलब कि ब्रेस्ट खाली हो रहा है आपका, मीन्स दूध निकल रहा है, बेबी दूध फीडिंग कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होगा और उससे मिल्क सिक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा मिल्क सिक्रीट करेगा। तो जो मीन्स खाली करना ज़रूरी है, खाली अगर ब्रेस्ट रहेगा तो उस केस में जो मिल्क सिक्रीशन है वो ज़्यादा होगा, या फिर बेबी बहुत अच्छे से सक कर रहा है तो उस केस में भी जो सिक्रीशन है मिल्क का वो ज़्यादा होगा, या फिर आप अगर बेबी मान लीजिए शुरू के दिनों में क्या होता है, फीड बेबी को अच्छे से नहीं करने आता है, तो उस केस में आपको खुद से मिल्क निकालना रहता है, तो उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो एक्सप्रेशन आप मिल्क अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, अगर अच्छे से आप खुद से एक्सप्रेस करके मिल्क बाहर निकाल रहे हैं, तो उस केस में भी मिल्क सिक्रेशन होगा, क्योंकि ब्रेस्ट आपका खाली हो रहा है। या फिर नाइट फीड अगर आप करा रहे हैं बेबी को, तो उस केस में भी मिल्क सिक्रेशन होगा। इस सारे केस में प्रोलैक्टिन काम करेगा, प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स काम करता है। इसके अपोजिट अगर आप बॉटल फीडिंग करा रहे हैं, या फिर आपकी जो पोजीशनिंग है, जिस पोजीशन में आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए वो नहीं करा पा रहे हैं, या फिर आपके ब्रेस्ट में कोई पेन हो रहा है, उस केस में तो मिल्क सिक्रीशन इसमें प्रॉपर नहीं हो पाता है। जैसे अगर आप बॉटल फीडिंग करा रहे हैं, तो बेबी को क्या होता है, बॉटल फीडिंग कराने से वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं निपल में और बॉटल फीडिंग में, तो वो बॉटल फीडिंग ही करने लगते हैं, निपल नहीं पकड़ते हैं जल्दी। तो इस केस में क्या होता है, धीरे धीरे मिल्क सिक्रेशन, बेबी फीड नहीं कर पा रहा है, मीन्स आपका दूध नहीं ले पा रहा है, ब्रेस्ट खाली नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो मिल्क सिक्रेशन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। एक केस ऐसा आएगा कि अगर आप बेबी को फीड नहीं करा रहे हैं तो मिल्क बनना ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि बेबी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा फीड कराएं, जितना ज़्यादा फीड कराएंगे उतना ज़्यादा मिल्क सिक्रेशन होगा। ओके, इसके अलावा अगर इनकरेक्ट पोजिशनिंग है, लाइक अगर आपने जिस जो मेथड होता है मिल्क मीन्स ब्रेस्ट फीड कराने का, वो अगर प्रॉपर तरीके से अच्छे से पोजिशनिंग नहीं हुआ है, पोजिशनिंग अच्छे से आपकी नहीं है या फिर बेबी की नहीं है, प्रॉपर लैचिंग नहीं है, तो उस केस में भी मिल्क मीन्स बेबी अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएगा, और जब ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएगा तो मिल्क सिक्रेशन भी अच्छे से नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको ब्रेस्ट में कोई तरह की प्रॉब्लम है, पेन हो रहा है, उस केस में आप नहीं फीड करा पाएंगे और आप नहीं फीड करा पाएंगे तो आपका ब्रेस्ट खाली नहीं हो पाएगा, उस केस में भी मिल्क सिक्रेशन नहीं होगा। ओके, ऑक्सीटोसिन की बात करें, यह मिल्क इजेक्शन का काम करता है, जैसे हमने बताया ये हार्मोनल बेस्ड होता है, इमोशनल मीन्स अटैचमेंट पे काम करता है, मीन्स इमोशनल से रिलेटेड होता है। इसके लिए क्या होता है, यह कब ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, बेबी का साउंड सुन के, बेबी के साथ पहले आप प्रॉपर बेबी को लें फीडिंग कराने से पहले, उनसे अटैचमेंट हो और प्रॉपर जो स्नेह होता है बेबी के लिए वो सोचने से ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स ज़्यादा काम करता है, और बेबी का साउंड सुनने से या फिर बेबी को देखने से,
और एक कॉन्फिडेंट एटीट्यूड अगर आप अपने अंदर रखते हैं कि हाँ, मीन्स कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ हमें मिल्क हो रहा है, हम बेबी को फीड करा पाएंगे, अच्छे से करा पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक जो आप ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस है वो अच्छे से कर पाएंगे और आप बेबी को अच्छे से पिला पाएंगे, फीडिंग करा पाएंगे। तो इस केस में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स अच्छे से काम करता है। इसके अलावा अगर आप एनजीएस हैं, मीन्स आपको कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, पेन में है, या फिर बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, तो ये सारी कंडीशन अगर है आपके साथ और आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, आप डाउट में हैं कि आप बेबी को फीड नहीं करा पा रहे हैं अच्छे से, या फिर बेबी आपके मिल्क से पूरी तरह उसका पेट नहीं भर पा रहा है, या फिर आप फीड नहीं करा पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपको जो मिल्क प्रोडक्शन होता है या फिर आप जो मिल्क बेबी को फीड करा रही हैं उसमें ये सारी चीज़ें रोकती हैं आपको करने से, ओके, आप अच्छे से फीड नहीं करा पाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो एक फीडिंग मदर होती है, ओके, लैक्टेटिंग मदर जो होती है, उनको हमेशा खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए और कॉन्फिडेंट उनको अपने अंदर रखना चाहिए कि हाँ हम मीन्स बेबी को अपने फीड करा पा रहे हैं, फीड करा पाएंगे। किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए उनको, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनहिबिट करती हैं ऑक्सीटोसिन को। तो इस केस में क्या होता है, जो मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क इजेक्शन है, वो सारा कम हो जाता है। तो इसीलिए बेबी मदर को चाहिए कि हमेशा वो खुश रहें, बच्चे के साथ स्नेह भरा मीन्स रहें, उनको देखें, प्यार करें, उनकी आवाज़ को सुने, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी क्राई करता है तो वो आवाज़ सुन के भी स्टिमुलेट होता है ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स और मिल्क इजेक्शन होता है। तो ये सारी केसेस हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि बेबी को रूमिंग इन, बेबी और मदर को रूमिंग इन किया जाता है ताकि वो अपनी बेबी के साथ साथ में रहें, उन्हें देखें, उन्हें खिलाएं, उन्हें उनका प्रॉपर केयर कर पाएं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ऑक्सीटोसिन और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को स्टिमुलेट करती हैं और इस तरह से क्या होता है, मिल्क ऑफ फॉर्मेशन होता है और इजेक्शन होता है, ओके। मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स क्या होता है, जैसे ही मीन्स बेबी से स्टिमुलस मिलता है, मदर के ब्रेन तक जाता है, तो मदर के ब्रेन में जब स्टिमुलस जाता है तो जो मिल्क डक्ट होती हैं, मिल्क डक्ट जैसा हमने बताया, वो वाइडन होंगी और जो यहाँ से मीन्स ये क्या करता है, जो हमने बताया कि ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क इजेक्शन का काम करता है, तो यहाँ पर जो मसल होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे और साइनस में जैसा कि हमने बताया कि मिल्क यहाँ पे स्टोर रहता है, तो जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी वैसे ही मिल्क जो है वो इजेक्ट होगा यहाँ निप्पल से बाहर। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे ही बोलते हैं मिल्क लेट डाउन, ओके, मिल्क का इजेक्शन, बाहर निकलना निप्पल के थ्रू। तो बात करें अगर कितने प्रकार के ब्रेस्ट मिल्क होते हैं, तो टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क में आ जाएगा कोलोस्ट्रम, ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर मिल्क, प्रीटर्म मिल्क, फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क, ओके, वन बाय वन हम बात करते हैं। बात करें अगर कोलोस्ट्रम की, तो कोलोस्ट्रम किसे बोलेंगे टाइप ऑफ मिल्क में, तो ब्रेस्ट मिल्क में जो शुरू के दिनों में मिल्क आता है, मीन्स फर्स्ट वीक में जो मिल्क आएगा उसे कोलोस्ट्रम बोलेंगे। जो बोलते हैं माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, तो वो कोलोस्ट्रम होता है, वो शुरू के दिनों में ही आता है, वो बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा उसमें प्रोटीन होते हैं, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज होते हैं, जो फर्स्ट इम्यूनाइजेशन का काम करते हैं, ओके, बेबी के लिए फर्स्ट इम्यूनाइजेशन का काम करता है, इसलिए कोलोस्ट्रम बच्चों को देना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये फर्स्ट वीक तक सिक्रीट होता है, इसमें सारा न्यूट्रिएंट, सारा एंटीबॉडीज, प्रोटीन सब कुछ रहता है, ओके। उसके बाद ट्रांजिशनल मिल्क आता है, ओके, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में कोलोस्ट्रम आया, उसके बाद फर्स्ट वीक के बाद फर्स्ट और सेकेंड वीक तक ये ट्रांजिशनल मिल्क आएगा, ओके। ट्रांजिशनल मिल्क क्या होता है, ये थोड़ा हल्का होता है और इसमें फैट और शुगर कंटेंट जो होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ओके, ये थोड़ा बदलाव आता है कोलोस्ट्रम से ट्रांजिशनल मिल्क। फिर इसके बाद क्या आता है, मैच्योर मिल्क आता है, ओके, मैच्योर मिल्क दो वीक के बाद आता है, ये थोड़ा हल्का होता है, ओके, और वाटरी कंसिस्टेंसी में होता है, इसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो बच्चे के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए मैच्योर मिल्क जो होता है वो सभी मीन्स लैक्टेशन जब तक हम करा रहे हैं, बच्चे को फीड जब तक करा रहे हैं, तब तक मैच्योर मिल्क ही आता है। तो अगर बोला जाए कि मतलब मिल्क कौन सा है हम दे रहे हैं बच्चे को, बेबी को 6 मंथ तक या फिर उसके बाद 2 ईयर्स तक, तो मैच्योर मिल्क ही देते हैं, जो कि थीनर होता है, वाटरी कंसिस्टेंसी में होता है और सभी तरह के न्यूट्रिएंट इसमें होते हैं बच्चों के लिए। तो मैच्योर मिल्क में जो शुरू का मिल्क होता है, मीन्स अगर हम बेबी को फीड कराना शुरू किए, तो जो शुरू के टाइम में हम फीड करा रहे हैं उसे फोर मिल्क बोलेंगे, ओके। शुरू शुरू में क्या होता है, अगर हम फीड कराना शुरू करते हैं बच्चे को, तो शुरू शुरू में वाटरी मीन्स मिल्क निकलता है, तो वाटरी मिल्क से बच्चे की प्यास बुझती है अगर देखा जाए तो। इसमें क्या होता है, वाटर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और प्रोटीन होते हैं, ओके,
वाटर ज़्यादा कंसिस्टेंसी में रहता है, वाटरी कंसिस्टेंसी में शुरू कर मिल्क रहता है, ताकि बच्चे का प्यास वो बुझा पाता है और विटामिन्स और प्रोटीन से भरपूर रहता है। इसके बाद जब बच्चा मीन्स फीड करने लगता है, उसके बाद जो लास्ट में 4 मिल्क के बाद जो मिल्क निकलता है उसे हैंड मिल्क बोलते हैं, वो लास्ट में बाद में निकलता है और थोड़ा हैवियर होता है, इसमें लिपिड वसा और एनर्जी होती है, तो ये बच्चे की भूख को मिटाता है, उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, तो कौन से मिल्क हो गए, शुरू शुरू में कोलोस्ट्रम आया, फिर उसके बाद ट्रांजिशनल मिल्क, उसके बाद मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क में हमने देखा कि दो तरह के मिल्क होते हैं, मतलब हम बेबी को फीड कराना शुरू कर रहे हैं तो जो शुरू का मिल्क है उसे 4 मिल्क बोलेंगे, उससे बच्चे की प्यास बुझेगी, और जो बाद का मिल्क है वो थोड़ा हैवियर होता है, उसे हैंड मिल्क बोलेंगे। ओके, इसलिए बोला जाता है कि बच्चे को जब भी फीड कराएं तो ऐसा नहीं कि 2 मिनट करा के फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। एक ब्रेस्ट से अगर फीड करा रहे हैं तो उसको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा फीड कराना है, उसको उस ब्रेस्ट को खाली करना है, ताकि बच्चे की प्यास भी बुझे और उसकी भूख भी मिटे, मीन्स उसको वाटर भी मिले और एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिले, तो कैलोरीज भी जाए उसके अंदर। इसलिए बोला जाता है कि एक फीड बच्चे को पूरा अच्छे से फीड कराना है, शुरू का भी मिल्क उसको मिले और बाद का भी मिले। ओके, बात करें अगर कोलोस्ट्रम की, कोलोस्ट्रम गाढ़ा पीला दूध होता है, ये कोलोस्ट्रम है, ठीक है। अगर मैच्योर मिल्क की बात करें तो इस तरह का मैच्योर मिल्क होता है, ओके, थोड़ा पतला होता है, वाटरी कंसिस्टेंसी में होता है। 4 मिल्क और हैंड मिल्क की बात करें, मतलब शुरू का अगर बेबी को फीड करा रहे तो शुरू का मिल्क वाटरी कंसिस्टेंसी में होता है और बाद का मिल्क जो थोड़ा हैवियर होता है, ओके, इसमें एनर्जी और प्रोटीन वगैरह सारे रहते हैं। ओके, कोलोस्ट्रम की बात करें तो कोलोस्ट्रम 4 मिल्क, हैंड मिल्क। ओके, बात करते हैं प्रीटर्म मिल्क, तो प्रीटर्म मिल्क क्या होता है, प्रीटर्म का मतलब होता है कि जो टाइम से पहले बेबी डिलीवर हो जाते हैं, 37 वीक से पहले, तो उस केस में जो मदर के अंदर दूध बनता है उसको बोलेंगे प्रीटर्म मिल्क। तो इस केस में ऐसा नहीं कि बेबी टाइम से पहले डिलीवर हो गया तो उसको दूध नहीं पिलाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है उसको। ये नेचर ने ऐसा बनाया है कि मदर को अगर टाइम से पहले बेबी हो रहा है तो उस हिसाब से उनके दूध में वो सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट वो सारे अवेलेबल रहते हैं जो कि उस लो मीन्स प्रीटर्म बेबी को चाहिए। प्रीटर्म कमज़ोर होते हैं, ओके, तो जिस हिसाब से उनको कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, जिस हिसाब से उनको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, वो सारे न्यूट्रिएंट उनकी मदर के जो फीडिंग वो कराएंगे उसमें अवेलेबल होगा, जो मदर का मिल्क होगा उसमें सारा कुछ अवेलेबल होगा, ताकि जो ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, प्रीटम बेबी को कमज़ोर होते हैं वो, तो ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें ज़्यादा प्रोटीन सब कुछ ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए प्रीटम मिल्क जो होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, सोडियम, आयरन, इम्यूनोग्लोबिन, कैलोरीज होती हैं। तो इस केस में भी मदर को अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, अगर कलर की बात करें, कौन कौन सा कलर सेफ है मदर को, अगर मीन्स उस कलर का मिल्क आ रहा है तो कौन सा पिलाना चाहिए, कौन सा कलर का आ रहा है तो नहीं पिलाना चाहिए, तो कोलोस्ट्रम जैसा कि हमने बताया पहला गाढ़ा पीला दूध होता है, तो ये बेबी के लिए सही होता है, तो ये बेबी को आप पिला सकते हैं। इसके बाद ट्रांजिशनल मिल्क आता है जो कि थोड़ा हल्का होता है, उससे वाइट कलर का होता है, ये भी आप बेबी को दे सकते हैं, सेफ होता है बेबी के लिए। इसके बाद हमने बताया कि मैच्योर मिल्क होता है, मैच्योर मिल्क जो होता है वो थीनर होता है, वाटर कंसिस्टेंसी में होता है, वाइट कलर होता है, ये भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर थोड़ा ग्रीनिश कलर आ रहा है मिल्क, तो वो इस केस में आता है अगर आपने ज़्यादा ग्रीन वेजेज खा लिया है, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लिया है तो उस केस में आता है, तो ये भी सेफ होता है, ये भी आप बेबी को पिला सकते हैं। ओके, इसके बाद पिंक कलर का अगर दिख रहा है, थोड़ा पिंकिश मिल्क अगर आपका आ रहा है, इसका मतलब कि आपने जो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स खाए हैं या फिर बीट रूट वगैरह खाए हैं या फिर ऑरेंजेस लिए हैं, तो इस केस में भी ये भी सेफ होता है, बेबी को आप फीड करा सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर ब्राउनिश कलर आ रहा है आपका मिल्क, तो इसका मतलब कि कुछ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड आ रहे हैं उसमें, ओके, तो ये इस कंडीशन में, और इसके बाद अगर ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर का आपका आ रहा है, तो ये इसका मतलब कि कोई मीन्स मेडिसिन है जो आपकी चल रही है या फिर आपको नहीं लेना चाहिए। तो ये सारे, ये दोनों जो कलर हैं मीन्स ब्राउन और डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का अगर आपका मिल्क आ रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ओके, और बेबी को दूध नहीं देना चाहिए, वो उस टाइम बेबी को फीड नहीं कराना चाहिए। तो ये सारे कलर हैं मीन्स कोलोस्ट्रम, ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर, सेफ, सेफ मिल्क अगर पिंक है, ग्रीन है, तो ये सारा दे सकते हैं, सेफ होता है, ओके, बेबी के लिए। बट ये जो ब्राउन कलर या डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर होता है, उस केस में आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उस टाइम में आपको बेबी को फीड नहीं कराना चाहिए। ओके,
बात करते हैं शुरुआत कब से करना है ब्रेस्ट फीडिंग की। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाए उतनी जल्दी आप फीडिंग कराना शुरू कर दीजिए विद इन हाफ एन आवर। ओके, अगर अगर हो रहा है मीन्स सिजेरियन डिलीवरी हुआ है आपका, तो उस केस में जैसे ही मदर कॉन्शियसनेस में आती है या फिर विद इन 4 आवर के अंदर आप ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए रूमिंग इन करना चाहिए, बेडिंग इन करना चाहिए, मतलब मदर और बेबी को एक ही रूम में रखना चाहिए। जैसे हमने बताया कि एक ही रूम में रहने से क्या होगा, जो ब्रेस्ट फीडिंग होगा वो प्रमोट होगा और बेबी जो है अर्ली सकिंग करेगा तो वो बेबी को वार्म्थ प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और मेन चीज़ जो है कोलोस्ट्रम प्रोवाइड करेगा। कोलोस्ट्रम जैसा कि हमने बताया कि फर्स्ट इम्यूनाइजेशन होता है बेबी के लिए, सभी तरह की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ओके, और अगर हम कोलोस्ट्रम दे रहे हैं तो जो शुरू के 6 किलर डिजीज होते हैं उनको रोक सकते हैं और जो भी मीन्स लेस देन 5 ईयर में जो भी डिजीजेज होती हैं उनके रेट को हम कम कर सकते हैं। अगर शुरू के दिनों में ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दें और 6 मंथ तक आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो उस टाइम पे। ओके, बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की, स्तनपान कैसे कराएं, क्या टेक्निक है। तो शुरू शुरू में क्या होता है, मदर्स को ज़रूरत पड़ती है हेल्प की फीडिंग कराने में, पकड़ने में कैसे करना है कैसे नहीं, तो उस टाइम में मदर हेल्प ले सकती हैं। बात करें अगर पोजीशनिंग की तो मदर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो मदर कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन ले सकती है, चाहे वो बैठ के अगर उनको कंफर्टेबल लग रहा है तो बैठ के भी करा सकती हैं या फिर लाइंग डाउन पोजीशन में भी करा सकती हैं, लेट के भी करा सकती हैं। तो उस केस में ध्यान रखना है कि मदर का जो बैक साइड है वो सपोर्ट में रहना चाहिए, स्ट्रेट वे में बैठना चाहिए और जो जो भी नेक है उसको मीन्स बेंडिंग नहीं होना चाहिए बेबी के ऊपर। ओके, लीन नहीं होना चाहिए बेबी के ऊपर, बल्कि बेबी को अपने चेस्ट के पास लाना चाहिए। तो इस तरह से जो मदर का पोजीशन है वो स्ट्रेट वे में होना चाहिए ताकि मदर को कंफर्टेबल रहे अपने हिसाब से। बात करें अगर पोजीशन ऑफ बेबी की तो इसमें 4 पॉइंट को ध्यान में रखना है, बेबी और बेबी का नेक और जो बेबी का बॉडी है और हेड है वो स्ट्रेट वे में रहना चाहिए और बेबी का जो नोज है वो अपोजिट होना चाहिए निप्पल के और बेबी को मदर के एकदम मीन्स क्लोज टू बॉडी होना चाहिए। मदर का जो बेली है और जो बेबी का बेली है वो टच में होना चाहिए और होल बॉडी जो है वो सपोर्ट में रहना चाहिए। जैसे हमने बताया कि एक लाइन में होना चाहिए हेड और शोल्डर और बॉडी। ओके, स्ट्रेट वे में होना चाहिए एक लाइन में। ओके, इसके बाद जो बेबी का बॉडी है और मदर का जो एब्डोमेन है वो टच में होना चाहिए, मीन्स इसे स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट बनता है मदर और बेबी का। ओके, तो इसके बाद बेबी का पूरा बॉडी सपोर्ट में होना चाहिए मदर के हैंड से और बेबी का जो फेस है मीन्स बेबी का जो नोज है वो निप्पल के साइड में होना चाहिए। ओके, निप्पल के साइड में होने से क्या होगा कि शुरू शुरू में क्या होता है, तुरंत तो बेबी सक करना शुरू नहीं करेगा, तो इस केस में क्या होगा कि बेबी का नोज थोड़ा सा अपर लिप पे टच करेगा निप्पल, तो अपर लिप पे टच करने से बेबी में क्या होता है, शुरू से ही सकिंग और रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं एक। इसमें क्या होता है कि बेबी के अपर लिप पे या माउथ के आसपास थोड़ा सा टच करने पे किसी ऑब्जेक्ट से अगर टच करते हैं तो बेबी अपना माउथ जो हेड उस साइड टर्न कर लेता है और उसको निपल समझ के उसको सक करने की कोशिश करता है, तो ये रूटिंग होता है। तो इसमें यहाँ पे नोज को इसलिए सीध में रखना है कि जैसे ही निपल को टच कराएंगे अपर लिप पे तो उस केस में क्या होगा कि बेबी उस निपल को एज्यूम करेगा और उसके बाद उसको माउथ में रखेगा और सक करने की कोशिश करेगा। ओके, बात करते हैं लैचिंग की, पोजिशनिंग हो गया मदर और बेबी का, अब लैचिंग कैसे कराएंगे। लैचिंग मतलब कि जो बेबी है उसके माउथ में हम निप्पल कैसे डालेंगे, उसको अटैच कैसे कराएंगे, अटैचमेंट कैसे होगा बेबी का ब्रेस्ट से। तो उस केस में प्रॉपर पोजिशनिंग के बाद बेबी का जो चिक है वो निप्पल से टच करना है, मीन्स रूटिंग रिफ्लेक्स, जैसा कि हमने बताया कि रूटिंग रिफ्लेक्स से बेबी निप्पल को अपने माउथ में डालेंगे। ओके, तो किस तरह से अटैच कराना है बेबी का निप्पल, जैसा कि हमने बताया पूरा एरियोला जो बाहर का ये एरियोला पोर्शन होता है उसको पूरा बेबी के माउथ में जाना चाहिए। ओके, एरियोला मीन्स ब्लैकिश भाग जो होता है वो पूरा माउथ में जाना चाहिए, वाइडली ओपन होना चाहिए बेबी का माउथ। ओके, तो इस केस में क्या होगा, जो मिल्क यहाँ पे डक्ट साइनसिस रहते हैं वो प्रेस होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो उससे जो मिल्क निकलेगा वो सीधा जो चाइल्ड है उसके माउथ में जाएगा, बेबीज के माउथ में जाएगा। तो इस तरह से प्रॉपर लैचिंग होनी चाहिए। ओके, इस केस में क्या होता है, बेबी पहले सक करेगा फिर पॉज लेगा थोड़ा, फिर सक करेगा फिर पॉज लेगा, इस तरह से सकिंग करता है। तो
वो इसमें जो की पॉइंट ध्यान में रखने वाली है कि कैसे आपको पता चलेगा कि बेबी प्रॉपर तरीके से अटैचमेंट बेबी का हुआ है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से अटैच मींस बेबी प्रॉपर तरीके से सक कर पा रहा है कि नहीं, तो उस केस में आप देख सकते हैं कि जो बेबी का माउथ है वो वाइडली ओपन रहना चाहिए, अच्छे से खुला हुआ रहना चाहिए, जो इनके लिप्स हैं वो आउटसाइड में निकले हुए रहने चाहिए, मुड़े हुए रहने चाहिए, और जो पूरा एरियोला है वो माउथ के अंदर होना चाहिए। एरियोला मतलब जैसे हमने बताया कि ब्रेस्ट का जो किनारे का ब्लैकिश भाग होता है वो एरियोला होता है, तो वो पूरा अंदर होना चाहिए माउथ के, और जो भी मीन्स एरियोला अंदर है मीन्स एरियोला बाहर से नहीं दिखना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें। और जो चिन है वो टच होना चाहिए ब्रेस्ट से, जो चिन है बेबी का वो ब्रेस्ट से टच होना चाहिए, तो इस केस में हम पता कर पाएंगे कि बेबी अच्छे से अटैच हुआ है, गुड अटैचमेंट है बेबी का। ओके, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं गुड अटैचमेंट में पूरा एरियोला अंदर है। ओके, एरियोला अंदर जाएगा तो इसका मतलब यहाँ से साइनसिस प्रेस होगा और बेबी जो मिल्क लेगा सक करेगा वो सीधा बेबी के अंदर जाएगा। और यहाँ पर बैड अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, अगर बेबी बस निप्पल ही डाला है मुँह में, अगर बस निप्पल ही बेबी के मुँह में गया है तो उस केस में क्या होगा, ये साइनसिस प्रेस नहीं हो पाएंगे, बेबी अच्छे से फीड नहीं कर पाएगा, तो उस केस में क्या होता है, बेबी अच्छे से बेबी के अंदर मिल्क जा नहीं रहा होता है, तो उस केस में बेबी इंटरेस्टेड नहीं होता है ब्रेस्ट फीडिंग करने के, तो उस केस में वो क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है ब्रेस्ट को। तो सभी लोग बोलते हैं कि क्या बेबी फीड नहीं कर रहा है, या फिर तो इसका मतलब कि आप प्रॉपर तरीके से बेबी को लैचिंग नहीं करा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उनका अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इसमें क्या है कि बेबी के माउथ में किस तरह से निप्पल को इंसर्ट करना है, किस तरह से, उसके लिए भी मेथड है कि आप प्रॉपर तरीके से मींस होल्ड कर सकते हैं फिंगर में, लाइक सी होल्ड बोलते हैं उसको, यू होल्ड या फिर वी होल्ड बोलते हैं, किसी भी तरह से जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस शेप में आप पकड़ सकते हैं ब्रेस्ट को और निप्पल को। लेकिन ध्यान रखना है कि एरियोला पोर्शन पे फिंगर ना रहे, एरियोला के बाद वाले पोर्शन पे फिंगर रखना है। ओके, इसको सैंडविच होल्ड भी बोलते हैं। सैंडविच होल्ड क्यों बोलते हैं कि क्योंकि लाइक सैंडविच, जैसे हम सैंडविच को पकड़ते हैं होल्ड करते हैं, उस तरह से इसको सी होल्ड करना है या फिर यू होल्ड करना है, तो उस केस में क्या होता है कि जैसे मीन्स हम होल्ड करते हैं और जैसे प्रेस करके हम मुंह में डालते हैं खाने के लिए, वैसे ही बेबी को भी करना है सैंडविच होल्ड में, अपने ब्रेस्ट को होल्ड करना है, उसके बाद थोड़ा सा प्रेस करके बेबी के माउथ में डालना है, तो इसीलिए इसे सैंडविच होल्ड भी करते हैं, तो स्क्वीज करना है। ओके, थोड़ा सा स्विच करके हम बेबी के मुंह में डालते हैं, तो उससे क्या होता है, शुरू शुरू में बेबी को आता नहीं है फीड करने, तो इससे अगर मिल्क जाएगा तो उनको टेस्ट मिलेगा, तो वो फीड करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं पोजीशनिंग की, कौन कौन से पोजीशन में हम ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं बेबी को, तो इसमें क्रेडल होल्ड होता है, क्रॉस क्रेडल होल्ड, फुटबॉल होल्ड और लाइंग डाउन होल्ड। बात करते हैं क्रेडल होल्ड की, सबसे कॉमन पोजीशन होता है, बहुत से मीन्स मोस्ट कॉमन जो मदर के द्वारा यूज होता है वो क्रेडल होल्ड ही होता है। क्रेडल होल्ड में क्या करते हैं, बेबी का जो नेक है उसको, हेड है उसको सपोर्ट करते हैं अपने एल्बो में। ओके, एल्बो में बेबी के हेड को सपोर्ट करते हैं, पूरी बॉडी इस हैंड से होल्ड किए रहते हैं और बॉडी को अपने एब्डोमेन से टच करा के रखते हैं, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट बना रहे ताकि, और उसके बाद अपना जो दूसरा हैंड है उससे हमने बताया जैसे सैंडविच होल्ड करते हैं, सैंडविच होल्ड में ये ध्यान देना है कि जो थंब पोर्शन है वो बेबी के नाक की सीध में रहे, मीन्स नाक के साइड में रहे, नोज के साइड में रहे, तो उस केस में क्या करना है, वी होल्ड भी कर सकते हैं, यू होल्ड जैसा हमने बताया। ओके, या फिर बेबी को जैसे प्रेस करके पहले निप्पल टच कराते हैं, उसके बाद रूटिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट होगा, रूटिंग रिफ्लेक्स के बाद आप थोड़ा सा चाहे तो शुरुआत में क्या होता है कि थोड़ा प्रेस करके बेबी को टेस्ट भी करा सकते हैं, तो ऐसे आपको बेबी को पोजीशन में होल्ड करना है, फिर उसके बाद बेबी को रूटिंग रिफ्लेक्स के थ्रू बेबी क्या करेगा, निप्पल को होल्ड करेगा, अपने माउथ में लेगा, पूरा एरियोला माउथ के अंदर जाना चाहिए। ओके, तब बेबी क्या करेगा, सक करेगा। ओके, बेबी जब भी शक करता है तो पहले शक करेगा फिर सॉलो करेगा, तो वो पहले शक करने के बाद, तीन चार शक करने के बाद जब बेबी का माउथ फुल हो जाता है उसके बाद वो सॉलो करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बेबी सो गया या नहीं पी रहा है, रुक रुक के पी रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बेबी क्या करता है, शक करता है, फिर जब बेबी का माउथ जैसे फुल होता है वैसे वो सॉलो करता है, तो उस टाइम में थोड़ा लगता है कि बेबी रुक गया है, मीन्स फीडिंग नहीं कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ओके, एक क्रेडल होल्ड हो गया। क्रॉस क्रेडल होल्ड की बात करें तो इसमें क्या करना है, एक हैंड से बेबी का जो शोल्डर है और हेड है, नेक है, वो सपोर्ट करना है, पूरी बॉडी सपोर्ट करनी है,
और दूसरा जो हैंड है उसको यूज करना है सैंडविच होल्ड के लिए, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही मीन्स बेबी को निपल इंसर्ट कराएंगे माउथ में, उसके बाद अगर बेबी अच्छे से लैच कर लिया है, तो उसके बाद आप दूसरे हैंड से भी अपने मीन्स बेबी के बॉडी को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर है, लैच कराने के बाद बेबी के बॉडी को सपोर्ट कर लिया आपने, तो ये क्रॉस क्रैडल होल्ड में हो गया, क्योंकि इसमें क्रॉस ओवर हैंड है। ओके, बात करते हैं फुटबॉल होल्ड ब्रेस्ट फीडिंग की। फुटबॉल होल्ड जनरली उस केस में होता है जिनको ट्विंस बेबीज होते हैं, दोनों मीन्स ट्विंस बेबी का मतलब कि अगर दो बच्चे हैं तो दोनों लोग को साथ में पिला सकते हैं। इसमें बेबी को इस तरह से होल्ड करते हैं, मीन्स पीछे के साइड से होल्ड करते हैं, तो एक साइड से बेबी का हेड सपोर्ट करते हैं प्रॉपर पीलो की हेल्प से, तो इसमें बेबी को पीछे से आगे की तरफ इस होल्ड में पकड़ते हैं, और दूसरा हैंड जो होता है उसको सैंडविच होल्ड से बेबी के माउथ में निप्पल को डालने के लिए यूज करते हैं, और ये वाला पूरा इंसर्ट होना चाहिए, इसमें ध्यान रखते हैं। तो इस केस में क्या होता है, एक हैंड से आप इस तरह से पूरा प्रॉपर सपोर्ट रहता है बेबी को, तो दूसरे हैंड से आप दूसरे ब्रेस्ट से दूसरे बेबी को भी फीड करा सकते हैं सेम टाइम पे, तो ये मेन ट्विंस बेबी के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है फुटबॉल होल्ड। साइड लाइन ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं प्रॉपर मीन्स पीलो के साथ, प्रॉपर खुद भी सपोर्ट लें और बेबी को भी सपोर्ट के साथ प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। इसमें क्या करना है, हेड से सपोर्ट करना है, प्रॉपर देखना है कि कहीं मीन्स बेबी का कोई पार्ट दबा तो नहीं है, और इसको मीन्स ये मेन सीजेरियन जिसकी डिलीवरी हुई रहती है उनके लिए ज़्यादा मीन्स कंफर्टेबल पोजीशन होता है, क्योंकि वो इसमें कंफर्टेबल भी फील करती हैं, आराम भी कर सकती हैं साथ साथ में, और बेबी को फीड भी करा सकती हैं। तो इस केस में कुछ लोग कहते हैं कि बेबी को लेट के फीड नहीं कराना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बेबी को मीन्स मदर चाहे तो लेट के फीड करा सकती है, बस इन केस उसे नींद नहीं आना चाहिए, उन्हें सोना नहीं है बेबीज के साथ, उन्हें लेट के फीड कराना है। उस केस में अगर उनको नींद आ रही है, कंफर्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो अगर नींद आ रही है तो वो अपने फैमिली मेम्बर को बोल सकती हैं ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए वहाँ पर, कि इनके अगर हमको नींद आ गई तो बेबी को देखना है ध्यान से, क्योंकि कभी भी क्या होता है मदर्स दूध पिलाते पिलाते आराम मिलता है उनको भी, तो वो क्या हो जाती है, उन्हें नींद आ जाती है, वो सो जाती हैं, और बेबी उस केस में उनका नाक वाक दब सकता है और एस्फिक्सिया केस हो सकता है। तो इस केस में साइड लाइन पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग कराना ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन इस केस में ध्यान देना है कि उनको नींद नहीं आनी चाहिए। ओके, बात करते हैं बर्पिंग की। तो फीडिंग कराने के बाद बर्पिंग बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चे को, तो इस केस में क्या करते हैं, इसको सीटिंग या फिर शोल्डर पे लेके भी करा सकते हैं, इसमें पैटिंग करते हैं। ओके, पैटिंग करते हैं, फिर रबिंग करते हैं, फिर पैटिंग करते हैं, इसमें कप शेप में हैंड को बना लेते हैं, फिर उसके बाद बेबी के बैक पे थोड़ा थोड़ा टैप करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा रब करेंगे, तो उससे बर्पिंग से क्या होता है, डकार दिलाना, इसको मेन बोल सकते हैं कि डकार कैसे दिलाते हैं बेबी को। तो डकार से क्या होता है, फीडिंग के बाद जो भी थोड़ा बहुत गैस होता है वो रिलीफ हो जाता है, वो रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो इससे बाद में पेट वेट दर्द की शिकायत नहीं होती है, कोलिक की शिकायत नहीं होती है बच्चों में। तो इसको सीटिंग पोजीशन में भी प्रॉपर होल्ड के साथ एक एक हैंड से उसके चेस्ट को एब्डोमेन को सपोर्ट करके पीछे से दूसरे हैंड से कर सकते हैं, या फिर शोल्डर पे भी रख के कर सकते हैं। इस केस में ये ध्यान रखना है कि पीछे से थोड़ा छोटा तौलिया भी लगा लें, क्योंकि इन केस अगर कोई कंटेंट बाहर निकलता है तो उस केस में स्पॉइल होने से बच जाएगा। ओके, तो ये है, इस तरह से भी कर सकते हैं बर्पिंग। ओके, तो ये था आज का ब्रेस्ट फीडिंग का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाली जो इससे रिलेटेड वीडियो हैं बाकी वो मिल सके। ओके, थैंक यू।